जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टैंक्शन बिबडोंग के टेक्निक में फंस गया था और फिर बिबडोंग टैंक्शन पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। वैसे तो टैंक्शन अपनी हाउ टियन हैमर को बाहर निकाल लेता है और अब हम बिबडोंग को देखते हैं जो अपनी पॉइजन टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेती हैं। और तभी हम रोंग रोंग को देखते हैं जो कहती है, भले ही इस समय हमारे आर्मी की कंडीशन अच्छी है पर मुझे नहीं लगता कि टैंक्शन के कंडीशन अभी अच्छी होगी, क्योंकि बिबडोंग की टेक्निक इस समय इतनी पावरफुल है कि मैं टैंक्शन को बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। जिस पर मुबई कहता है, रोंग रोंग तुम टेंशन मत लो, क्योंकि टैंक्शन को इन सभी चीजों के पहले ही अंदाजा था, इसलिए हम लोग प्लान को फॉलो करेंगे। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन चीफ टाइगर चीफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर मुबई रोंग रोंग से कहता है कि अगर टैंक्शन को कुछ भी होता है तुम्हारे पहले काम उसको सपोर्ट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन सेक्ट के चीफ अपनी मार्शल फॉर्म आ जाता है। इसके बाद टाइगर सेक्ट के चीफ भी अपनी मार्शल फॉर्म आ जाता है, जिन्हें देखकर मुबई कहता है, ड्रैगन सेक्ट के चीफ और टाइगर सेक्ट के चीफ दोनों ही पावरफुल है, इसलिए इनको मैं और कैट गर्ल संभालेंगे। जिसके बाद मोटो ऑस्कर और शू से कहता है, तुम लोग पूरे बैटल फील्ड में फाइट करना, क्योंकि इस समय टैंक्शन बिबडोंग से फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से यह सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जब हम लोग अकेले लड़ रहे हो तब हम लोगों को सावधान रहना है। और हाँ, हमेशा याद रखना कि हम लोगों को हुहन हॉल के पावरफुल सॉल मास्टर को रोकना है, न कि उनसे लड़ते हुए मरना है। इसके बाद यह सभी लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं पॉइजन मास्टर हुहन हॉल के फिश सोल मास्टर के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद स्नैक मास्टर टियांडो आर्मी से कहता है, आज मैं इस बैटल को तुम्हारे लिए कब्र बना दूंगा। इसके बाद हमारे सिन दोबारा से बिबडोंग टैंक्शन पर आ जाता है, जहां पर बिबडोंग अपनी टेंटिकल से टैंक्शन पर अटैक करते हैं, जिस पर टैंक्शन अपनी हैमर से उन्हें रोकने लगता है, जिस पर बिबडोंग कहती है, टैंक्शन इस बार तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। इसके बाद टैंक्शन तुरंत अपनी लेफ्ट आर्म बोन का इस्तेमाल करता है। अब उसके अटैक से बिबडोंग बड़े ही आसानी से बचती है और सोचती है, क्या यह सोल बोन का पावर इतना पावरफुल है, क्योंकि यह सोल बोन उस दिन मेरी होने वाली थी पर हो ना सके। इसके बाद हम देखते हैं टैंक्शन का वही अटैक बिबडोंग की डोमेन से टकराकर टैंक्शन को ही लगता है। यह देखकर टैंक्शन सोचता है, यह तो ठीक वैसा ही है हमने सी गॉड आइलैंड में देखा था, क्योंकि हम वहां पर कितनी पावर से अटैक करते थे वो अटैक उतनी ही पावर से वापस आता था। जिसके बाद हम देखते हैं बिबडोंग सीधा टैंक्शन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और इतनी जल्दबाजी में टैंक्शन भी बिबडोंग के अटैक को रोक नहीं पा रहा होता है, जिसे बिबडोंग टैंक्शन को पकड़ लेती है और अपनी स्पाइडर वेब को टैंक्शन की शरीर में फंसा देते हैं। और फिर टैंक्शन से कहती है, मुझे पता है कि श्रेक डेविल्स मेरी स्पिरिट मास्टर को रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ही अपनी कैदी बना लो तो मैं उन सभी को इजीली खत्म कर सकती हूँ। यह कहते हैं बिबडोंग दोबारा से अपनी स्पाइडर वेब से अटैक कर देती है, जिस पर टैंक्शन अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन ग्रेविटी कंट्रोल को यूज करता है, जिसे बिबडोंग के सारे स्पाइडर वेब जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी बिबडोंग एक पावरफुल अटैक को टैंक्शन पर कर देती है, जिसे टैंक्शन अपनी हाउ टियन हैमर से रोकने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकाम होता है और बहुत दूर जाकर गिरता है और सोचता है, जब तक मैं बिबडोंग के डोमेन में फाइट करता रहूंगा तब तक मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे जितना हो सकता है उतना जल्दी इस डोमेन से निकलना है। और तभी बिबडोंग टैंक्शन को खत्म करने आगे बढ़ती है, पर टैंक्शन को मौका मिलते ही अपनी नाइन्थ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी हेल्प से वह बिबडोंग के डोमेन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही रोंग रोंग तुरंत टैंक्शन की पावर को बूस्ट कर देते हैं, जिससे टैंक्शन रिकवर हो जाता है। और फिर बिबडोंग टैंक्शन से कहती है, भले ही तुमने मेरी डोमेन को तोड़ दिया हो लेकिन फिर भी तुम अपनी हार को बदल नहीं सकते हो,
क्योंकि यहाँ दो पावरफुल सॉल मास्टर पहुँच चुके हैं, जिस वजह से हमारा आर्मी को हरा पाना नामुमकिन हो गया है। इसके बाद हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम देखते हैं बिबडोंग के वह दोनों सॉल मास्टर टियांडो आर्मी को बुरी तरीके से मारने लगती है। इस पर मार्शल जिलांग कहते हैं, जैसे ही वह दोनों सॉल मास्टर यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने हमारे सेना को लगभग 15 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया गया है। इस पर ग्रैंड मास्टर अपने सोल्जर्स को आगे जाकर हुहन हॉल के साथ फाइट करने के लिए आदेश देते हैं, जिस पर रोंग रोंग की फादर भी पूरी आर्मी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद मोटो डाई मोबाई से कहता है, वो सोल मास्टर भी मेरी तरह एक फायर सोल मास्टर है, इसलिए उसे मुझ पर छोड़ दो। जिस पर मोबाई कहता है, फिर मैं बाकी सोल मास्टर को संभालता हूँ। तभी ऑस्कर कहता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हम में से कौन पहले अपने अपोनेंट को धूल चटाता है। इसके बाद ऑस्कर मोबाई की सिक्स सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस अटैक को मार्शल सोल एम्पायर की एक सोल मास्टर पर छोड़ देता है, पर उसे वह रोक लेते हैं। लेकिन तभी ऑस्कर उसकी बीस्ट को पकड़ लेता है और उसे जमीन के ऊपर मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटू भी पायल अपेट चिप के साथ खतरनाक फाइट करने लगता है। अब इनको देखकर सिक्स मास्टर कहते हैं, आजकल के बच्चे इतनी बड़ी आर्मी को अकेला रोकना चाहते हैं। तभी वहाँ पर टैंक सेक्ट के एक एल्डर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, आजकल की जनरेशन बहुत तेज है और तुम उन्हें मारने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। इसके बाद हम पॉइजन मास्टर और फिश मास्टर की फाइट देखते हैं। यह फाइट भी बहुत खतरनाक होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्टों करके एल्डर डेमन बेयर पर आता है, जो कि अपनी स्पिरिट फॉर्म होता है और उसके स्किन इतनी पावरफुल होते हैं क्योंकि उस पर किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वह लगातार आर्मी को मारता हुआ आगे जा रहा होता है और वही दूसरी और कैट गर्ल और मुंबई अपनी फ्यूजन स्किल से टाइगर चीफ के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से डेमन बेयर को देखते हैं। इसे रोकने के लिए शुआ जाती है, जिस पर डेमन बेयर कहता है, छोटी लड़की, तुम्हें फाइट करने के लिए मुझे चुना है, यह तुम्हारे सबसे बड़ी गलती है, अब तो मरने वाले हो। जिस पर शू अपने कई सारे अटैक्स डेमन बेयर पर करती है, पर इसे डेमन बेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह देखकर शू सोचती है, यह डेमन बेयर एक डॉलुओ लेवल पर है, इसलिए मुझे इससे सीधे फाइट नहीं करना चाहिए। इसके बाद शू डेमन बेयर को चिढ़ाते हुए कहती है, डिंकू बालू, मैं इधर हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो मैं तुम्हें एक मछली खिलाऊंगी। और यह कहने के साथ ही आज का हमारा एपिसोड यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है।